संजय दत्त के जीवन पर बनी रणबीर कपूर स्टार फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अब तक भारतीय सिनेमा में बहुत कम ही हुआ है। राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू ने कमाई का सैलाब लाते हुए पहले तीन दिन में 124.6 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म को रविवार को 46.71 करोड़ रुपए का कलेक्शन मिला है। रणबीर कपूर की इस फिल्म ने अब तक कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। फिल्म संजू ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 34.75 करोड़ रुपए का बम्पर कलेक्शन किया है और दूसरे दिन फिल्म को 38.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर है। इतने रिकॉर्ड्स बने हैं, दर्शक रणबीर कपूर की संजू ने एक नया इतिहास गढ़ा है। ये फिल्म हिंदी भाषा की पहली ऐसी फिल्म है जिसने एक दिन में सबसे अधिक कमाई की है। इससे पहले तक ये रिकॉर्ड बाहुबली 2 हिंदी के नाम रहा है जिसने तीसरे दिन रविवार 46.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। संजू साल 2018 की पहले वीकेंड में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। संजू 124.06 करोड़ रुपए, पद्मावत 114 करोड़ रुपए, 5 दिन के वीकेंड और पेड प्रीव्यू के साथ रेस 3 106.47 करोड़ रुपए, बागी 2 73.10 करोड़ रुपए, रेड 41.01 करोड़ रुपए। संजू बना 100 करोड़ क्लब का बाहुबली आमिर खान की गजनी ने भारतीय सिनेमा में 100 करोड़ का क्लब शुरू किया था और तब से अब तक 66 फिल्में हैं जो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी हैं। बिना त्योहार पर रिलीज होने वाली 10 फिल्मों की फर्स्ट वीकेंड की लिस्ट में रणबीर कपूर की संजू को दूसरा स्थान मिला है। बाहुबली 2 इस मुकाबले में पहले स्थान पर रही जिसने पहले वीकेंड में 128 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की टाइगर जिंदा है 114.93 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। संजू से रणबीर कपूर ने भी अपने नाम एक रिकॉर्ड बना लिया है। संजू उनके जीवन में पहले वीकेंड में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। संजू के बाद जो फिल्में हैं वो हैं दशीय जवानी है दीवानी 62.11 करोड़ रुपए, बेशरम दशारस 47.69 करोड़ रुपए, तमाशा आरएस 38.23 करोड़ रुपए, ये दिल है मुश्किल दशारस 35.6 करोड़ रुपए, बर्फी दशारस 34.60 करोड़ रुपए, एनोज़